लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जेटली हमें बताएंगे आप इसके पीछे किसका हाथ है। जेटली मैं अनिल शर्मा डीटी से। आप मुझे बताइए कि आवाज क्या है। राजमा ही बेस्ट है। ये बेस्ट है। ये बेस्ट है। एक ही काम है जो नाम से नाम है इसकी। ये बेस्ट है। नो नो प्लीज नो। मुझे और कुछ नहीं कहना है। आप लोग प्लीज जाइए। प्लीज जाइए। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या क्या आपको इस मामले में किसी प्रकार का कोई पूर्वाभास या किसी तरह की कोई सूचना थी? लुक, जो होना था वो हो गया है। आई हैव नथिंग मोर टू से अबाउट मोनिका। चल मैं भी हल्का हो लेता हूं। अबे, तेरी धार मेरी धार से लंबी कैसे? अबे लंबी धार मारने के लिए आदमी का कद ऊंचा होना चाहिए। जरा सीढ़ी उचका मार ले तू भी लंबी। उसमें क्या है? क्वाइट सिंपल यू नो। समझा, सीढ़ी उचका और गारेट। समझ गया? वेरी गुड। लेकिन ज्यादा मत समझना, अदरवाइज वी विल हैव टू कट यू डाउन टू साइज एज वेल। पापा कहते हैं बड़ा नाम का।
सलमान खान का ओपनिंग सीन तो देखना था। मैंने देर कराई या तूने? टाइम से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती है। हर नई चीज के लिए किस्मत को आजमाना बहुत जरूरी है। नमस्ते। मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो आपसे सिर्फ जान पहचान करना चाहता हूँ। देखिए ये डायरी है हमारे पास और इसमें सब लिखा है। उस थिएटर वाले हादसे के बारे में कुछ बताया नहीं उसने कभी आपको? आप तो माँ थी उसकी, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। आ गई तू? स्कूल तो कब का छूट गया था? कहाँ थी अब तक? बार मना किया है उस लड़की के साथ इधर उधर मत जाएगा। रोज रोज दोस्तों के साथ घूमना सिनेमा देखना हमें शोभा नहीं देता, समझी? कल मंजू नहीं रखती, पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं, दिन भर आवारा गर्दी और शाम को हो गई है क्या जो इतना तेज सुने जा रही है? अगर तेरे यही लक्षण रहे ना तो देखना एक दिन बहुत पछताएगी तू। तमाम सरकारी सरगर्मी के बीच आज आखिर मोनिका जेटली हत्याकांड कोर्ट में औपचारिक रूप से पेश हो ही गया। इस केस के मुख्य अभियुक्त संदीप मिश्रा, जो कि कल तक एक वकील होने के नाते दूसरों को सजा दिलवाते रहे, आज खुद एक मुजरिम के शक्ल में कटघरे में खड़े होने जा रहे हैं। मिस्टर मिश्रा, पिछले साल 8 मई को मोनिका के कत्ल से ठीक एक दिन पहले चंद्रकांत पंडित और वोरा साहब के बीच समझौता होता है कि वोरा साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। ये आश्वासन देने वो चंद्रा साहब से मिलने दिल्ली आते हैं और लखनऊ में आप मोनिका को बुलवाते हैं और वो मार दी जाती है। मिस्टर मिश्रा, क्या मोनिका इस समझौते के बीच कोई बाधा बन रही थी? अच्छा पंडित जी, कल शाम फिर मिलेंगे लखनऊ में। एक बार फिर वापसी मुबारक हो। धन्यवाद। और ये खाली शब्द नहीं है मेरे। अच्छा, सर लखनऊ से मिश्रा जी। पंडित जी, सीएमशिप मुबारक हो। यहाँ सब लोग बेताब है आपके दर्शन के लिए। बेताब तो हम भी हैं मिश्रा। पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक। देखो, लास्ट मोमेंट पे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए,
आप निश्चिंत रहें, सब कुछ नियंत्रण में है। और हाँ, वो मोनिका। मोनिका क्या हुआ उसको? होना का था, उसको भी यहीं बुलवा लिया लखनऊ। तो मिल गई वो। भाग कर जाती भी कहां हमसे, लौट के तो वापस यहां आना ही था। जहां संदीप मिश्रा की गिरफ्तारी उनके और चंद्रकांत पंडित के बीच मनमुटाव का संकेत देती है, वहीं उनकी चुप्पी से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ लोगों का दबाव उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है। जज साहिबा, प्रोसिक्यूशन इस कोर्ट में तीन बातें साबित करने के लिए बहस करेगा। नंबर एक, मोनिका जेटली का कत्ल कैसे हुआ। नंबर दो, उसको किसने मारा। और नंबर तीन, क्यों मारा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई 2007 को शाम 5:15 के लगभग मोनिका को उसके माँ बाप के घर एक चाकू और एक तार के टुकड़े से हताहत किया गया था। उसके कत्ल के थोड़ी देर बाद उसके माँ बाप ने उसे मृत पाया। जिस वक्त वो कातिल मोनिका का कत्ल करने आए हुए थे, इत्तेफाक से उस वक्त मोनिका अपने पति राज जेटली से बात कर रही थी फोन पर। आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ है? इन पर कोई उंगलियों के निशान नहीं है, लेकिन ये वही चाकू है जिससे मोनिका के शरीर पर 6 घातक वार किए गए, और ये वो तार है जिससे उसका गला घोटा गया। एग्जिबिट ए और बी, द मर्डर वेपन्स। पॉइंट नंबर दो, मोनिका को किसने मारा। जज साहिबा, प्रोसिक्यूशन अभी तक संदीप मिश्रा को ही मुख्य आरोपी मान रहा है, क्योंकि मोनिका के सेल फोन पर आखिरी फोन कॉल संदीप मिश्रा का ही था। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हनुमंत सिंह के बयान के मुताबिक मोनिका को आखिरी बार दीपशिखा होटल में एक रेड के दौरान संदीप मिश्रा के साथ ही देखा गया था। जज साहिबा, मेडिकल और अन्य रिपोर्ट्स भी मोनिका और संदीप मिश्रा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं। वो रात मोनिका ने संदीप मिश्रा के साथ क्यों बिताई, इस बात का इस कत्ल से बहुत गहरा संबंध है। पर सबसे अहम सवाल है पॉइंट नंबर तीन, मोनिका को क्यों मारा, मोटिव ऑफ मर्डर। तो जज साहिबा, प्रोसिक्यूशन ये साबित करने की कोशिश करेगा कि संदीप मिश्रा इस कत्ल की साजिश में अकेले नहीं। एक तरफ वो दो हत्यारे हैं जिन्होंने ये कत्ल किया, और दूसरी तरफ कुछ बड़े लोग जिनके कहने पर संदीप मिश्रा ने ये कत्ल करवाया। जज साहिबा, ये एग्जिबिट सी डी ई और एफ, मोनिका जेटली की आवाज में 3 टेप्स हैं, और ये डायरी जिसमें उन तीनों के नाम हैं जिनके कहने पर ये कत्ल हुआ। मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि इन तीनों के नाम चार्जशीट फाइल की जाए, और वो तीन नाम जिनके कहने पर ये कत्ल हुआ, पैमेला ग्रेवाल, इंडस्ट्रियलिस्ट असीम रे, एडिटर मॉर्निंग स्टार, चंद्रकांत पंडित, एक्स मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन इस वक्त जो एग्जिबिट पेश कर रहा है उसके बारे में ऑनरेबल कोर्ट को या डिफेंस को पहले से कोई जानकारी नहीं है। साइलेंस, साइलेंस प्लीज।
प्लीज अप्रोच द बेंच. Kindly meet me in my chamber. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मोनिका जेटली के तीन टेप्स पेश करके आज कोर्ट में सनसनी पैदा कर दी. इन टेप्स में जिन तीन लोगों के नाम लिए गए हैं वो हैं पामेला ग्रेवाल, असीम रे और प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष चंद्रकांत पंडित. मिस्टर माथुर, ये क्या मजाक है? Are you sure कि प्रोसिक्यूशन के पास इनफ एविडेंस है? चंद्रकांत पंडित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और आप उन्हें मर्डर में इम्प्लिकेट कर रहे हैं? मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ. ऑन वॉट ग्राउंड? मोनिका, मोनिका खुद गवाह है. योर ऑनर, इन्हें प्रूफ नहीं बनाया जा सकता क्योंकि टेप झूठे हो सकते हैं और डायरी किसी के दिमाग की उपज भी हो सकती है. मिस्टर माथुर, आपके पास तो अब तक उन लोगों की आइडेंटिटी तक नहीं है जिन्होंने कत्ल किया है. पुलिस क्या कर रही है? क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? इस केस में उन दोनों की अहमियत क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि जज साहिबा आजकल 5-10 हजार में ऐसे हत्यारे कहीं भी मिल सकते हैं. गांव के ये बेरोजगार, यूनिवर्सिटीज के ये नौजवान अपने पॉलिटिकल बोसेस को खुश करने के लिए आजकल किसी भी हद तक जा सकते हैं. हम उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हैं जो इनके हालात और इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ऐसे काम करवाते हैं? एंड इट्स रियली ए शेम, बट दैट इज द लॉ. Nobody is guilty until proven. Thank you, Your Honor. मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन लोगों को बतौर डिफेंस विटनेस कोर्ट में पेश करने की इजाजत दी जाए. लेकिन मैं अपने मेरे कोर्टरूम में कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होगा. You can call them, Mr. Verma. सुर्खियां पाने के लिए इस केस को सेंसेशनलाइज मत कीजिए. सीबीआई की इंक्वायरी करवाता हूं. आखिरकार मैं भी चाहता हूं कि मोनिका के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिले. ट्रस्ट मी. नाम चंद्रकांत पंडित है. कभी देखा नहीं मैंने आप लोगों को, लेकिन आपकी बेटी परिचित थी मेरी. यकीन मानिए, बेहद अफसोस है मुझे उसकी मौत का. राज को संभालिए, उससे जरूरत है आप लोगों की.
ही इज वेरी अपसेट। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। अरे इसका कुछ चक्कर था क्या इसकी बीवी के साथ? नहीं, राखी बंधाता था उससे, तभी साले बनाई गले मिल रहे हैं। सच? अरे तो फिर उसे पता था कि उसकी बीवी इसके साथ? बैठ जा। शिट, शिट, शिट यार। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था जज साहिबा, कि आपने इस केस की सुनवाई के लिए मुझे पर्सनली अपियर होने से एग्जेम्प्ट कर दिया। थैंक यू। वैसे मेरा स्टेटमेंट डिफेंस काउंसिल के पास है, फिर भी मैं इस कोर्ट को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद का भार तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मोनिका के माता पिता मुझे निर्दोष नहीं मान लेते। तब तक इस कोर्ट की हर सुनवाई पर मैं एक आम भारतीय, एक आम नागरिक की तरह खुद उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। मैं आए? प्लीज सर, एक कमेंट। क्या बोलूं? कुछ तो कह ही सकते हैं, आफ्टर ऑल वो आपकी दोस्त थी, पहली मुलाकात। हाउ द हेल कैन शी जस्ट डाई एंड बिकम अ मार्टर? एक स्टोरी को कितनी कवरेज मिलनी चाहिए, कितने शब्द होने चाहिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। शुक्र मनाइए कि इतना ही छपा है, एक जर्नलिस्ट की हत्या हुई है। द होल कम्युनिटी इज बाउंड टू स्टैंड टुगेदर। कम्युनिटी इन माय फुट, दलाल्स। पैम, आई एम लीविंग। बैठिए। प्लीज। मेरे पिता की मौत भी उसी शहर में हुई थी। लोग भूल जाते हैं। इसे भी भूल जाएंगे। बस फोटो हो गई है, अब शादी तय हो जाए तो गंगा ना हो। मैं तो अब भी तुमसे कह रही हूँ मोना के बाबूजी, हैं? सुन रहे हो? देर ना करो, पीए भी पास हो जाएगी तो कौन सा राजकुमार आ जाएगा ब्याह? तुम नहीं समझोगी, आजकल पढ़ी लिखी लड़कियों की ही डिमांड है। कितने पैसे हुए? 60 रुपए में 8 कॉपी। हम ही बोलते रहे, उसकी बात तो कभी सुनी ही नहीं हमने। अफसोस कि हमारे देश में लड़की की बोली सबसे पहले मां बाप ही लगाते हैं। लेकिन मिस्टर राज जेटली, आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना? वो जो तुम न थे कभी, वो जो हम ना हो सके, शिकवे शिकायत कुछ तुम कहते कुछ हम कहते। के
से हैं हारे, खुद से एक्चुअली उसकी हीरो इमेज से इंप्रेस हो गई थी, लेकिन शादी के बाद शी हेटेड हिम। आई एम सॉरी राज कि मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। राज, 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 राज। क्या समझती हो, अंधा हूं मैं क्या? मुझे सब दिखता नहीं? यू डोंट लव मी डू यू? यू आर जेलस, तुम मेरी सक्सेस से जलते हो। माँ बाप शादी के लिए जोर दे रहे थे, ऐसे में आप मिल गए, इंटेलिजेंट, चार्मिंग, टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, क्या ये काफी? मुझे नहीं पता उसने मुझसे शादी क्यों की। When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth the death. The death of princes. What the hell is this, Monica? I'm sorry, Raj. I'll do it again. No, you won't do it again. I said I'm sorry, Raj. Just because you're my wife, it doesn't mean that you can mess up the scene and get away with it. Raj? Don't Raj me. जब तक आपको अपनी लाइनें याद ना हो, आप यहां मत आइएगा. Go. राज. संजू, क्या? एक मिनट राज. थंडर को ठीक करो, जम के मारो यार, आवाज ही ठीक नहीं उसकी। राज, ही इज चंद्रकांत पंडित। हेलो। एंड चंद्रा, ही इज राज जेटली, माय डायरेक्टर। हेलो। शायद गलत वक्त पे आ गया। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नहीं नहीं, इट्स ओके, ये सब तो होता ही रहता है। कम। डायरेक्टर हूं ना, इसलिए डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसे हो? माय कास्ट। हेलो मिस्टर पंडित। हाय। हाय। बट वाइव्स, दे डोंट अंडरस्टैंड, बात बात पे रोने लग जाती हैं। आई नो, प्लीज आइए बैठिए। वैसे संदीप बहुत तारीफ करते हैं आपके। He doesn't have an option, दोस्त जो है। संजू, चाय लाओ ना। कमाल का कॉम्बिनेशन है राज आपका। जी, जर्नलिज्म के साथ साथ ये प्लेस करना, बहुत नाम है आपका हमारे शहर में। इट्स नथिंग। संदीप कह रहा था आप दोनों ने साथ में लॉ किया था। जी। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया एफएस में और मैं चला गया और लॉ छूट गई। जी। अब बहुत काम आना होता है यहाँ पे, पोस्टिंग अक्सर बाहर ही रहती है। वैसे इनके साथ हमने भी काफी नाटक किए हैं यहाँ। अच्छा। तब तो आपको भी अपनी एक्टिंग दिखानी पड़ेगी हमें। उसके लिए आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। I'm ready. जूलियस सीजर, अजीब इत्तेफाक है कि आपको इस नाटक में कैशियस की भूमिका ही निभाने को कहा गया। योर ऑनर,
मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि उस प्ले का इस केस के साथ आखिर संबंध क्या है। संबंध है जज साहिबा, आयरनिकली मोनिका को राजनीति का पहला सबक उसके पति द्वारा मंचित एक नाटक जूलियस सीजर से ही मिला। समय और हालात के साथ साथ दोस्तों और दुश्मनों के बदलते हुए चेहरे इस नाटक में बखूबी दिखाए गए हैं, लेकिन खुद मोनिका को इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन उसके दोस्त और हमदर्द उसकी मौत का कारण बन जाएंगे। संदीप मिश्रा उसके और उसके पति के बहुत अच्छे दोस्तों में से एक थे, लेकिन इन्होंने खुद उसकी पीठ में एक दिन छुरा भोंका। I object, Your Honor. Mr. Mathur. Your Honor. आप मोनिका से पहले उसके पति राज के बहुत अच्छे दोस्त थे और समय समय पर उनकी मदद भी किया करते थे, प्रोफेशनली दैट इज। जी। हवाला केस जो शायद राज के कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसका श्रेय भी आप ही को जाता है, क्योंकि आखिरकार वो फाइल राज को आप ही ने सौंपी थी। जी आप कह सकते हैं, मैंने इनकी थोड़ी मदद की थी। पर उसके बाद इस सक्सेस के बावजूद भी राज एडिटर नहीं बने, क्यों? देखिए, मैं राज की सिर्फ मदद कर सकता था, उन्हें एडिटर बनाना ना बनाना मेरे हाथ में नहीं था। आपके हाथ में नहीं था, लेकिन चंद्रा साहब के हाथ में तो था। आखिरकार उनके पिता उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इररिलेवेंट है। 34-35 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती जज साहिबा, लेकिन इस छोटे से अरसे में मोनिका की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। मैं तो सिर्फ एक उस पहले मोड़ का मुआयना करने की कोशिश कर रहा हूं जहां से कहीं उसके पति राज का उससे साथ छूटा है। आराम से बैठ जाओ, जगह बहुत है। संदीप मिश्रा की पहुंच का फायदा। उस समय राज को भी उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। एक पार्टी, एक रात कभी कभी इंसान की जिंदगी में क्या मोड़ ले आती है ये उसे खुद भी मालूम नहीं पड़ता। Hi, I'm Monica. It's a pleasure meeting you. और आपको इसका अफसोस है? Hello. जी. Hi. How are you? I'm fine, thank you, Renu ji. Arjun beta, please meet uncle. तो नाम लेने में इतनी झिझक क्यों? Hello, my dear. अपना नाम है? विश्वास से बोलिए। Hi. I'm Chandrakant Pandit. Hi. ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, but confidence is the last thing she has. And do you know why, Mr. Raj? इसके लिए एक बैकिंग चाहिए। मेरी आवाज के पीछे एक बैकिंग है, मेरे पिता के रुतबे की, इनके पीछे। ये तो हाई कमांड के ऊपर है, चाहेंगे तो रख लेंगे। प्रणाम भाजी। कैसे हो मिश्रा? आपका आशीर्वाद। नमस्ते। आप लोगों को डैड से मिलाता हूँ, प्लीज। Mr. Raj Jaitley. Pleased to meet you, sir. How are you? Mrs. Jaitley. No, my wife. कई बार मर्द अपनी पत्नी को एक ट्रॉफी की तरह पेश करने में झिझकते नहीं, होता है कई बार ऐसा, और संदीप मिश्रा जैसे लोग उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। हरी मोनिका, तुम यहां हो? हम तुम्हें बाहर ढूंढ रहे थे। आओ चलो बाहर चलते हैं।
चंद्रा वांट्स यू। जज साहिबा, मोनिका को नहीं मालूम था कि उनका एक नेचुरल रिएक्शन संदीप मिश्रा को उनकी हरकत पर तमाचा उसे इतना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो तमाचा उसने उस वक्त ना मारा होता तो राज एडिटर बन गए होते और खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी गुजार रहे होते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। मिस्टर माथुर, क्या होता क्या नहीं होता इस पर टिप्पणी ना करके आप वही कहें जो हुआ है। अब जो हुआ उसको बताने के लिए मोनिका खुद तो जिंदा है नहीं, लेकिन हाँ इन्होंने बड़े विस्तार से इसे बयान किया है। इनके मुताबिक 8 मई की रात को मोनिका खुद एक होटल में इनके पास चलकर आई और इनके साथ बिस्तर में सोने को राजी भी हो गई। वो मोनिका जज साहिबा जिसने भरी पार्टी में इनके मुंह पर तमाचा मारा था वो इनके साथ। मिस पैमेला ग्रेवाल, आपकी मोनिका से पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। श्रीकांत पंडित सीएम थे उस वक्त। और माननीय वोरा साहब। अच्छा, उस वक्त जब आप मोनिका से मिली थी तो इसी उलझन में थी ना कि ये वोरा का एक छोटा सा काम क्यों नहीं करवा पा रहा है। अच्छा फिर? What do you mean फिर? I am sorry. फिर मेरा मतलब है कि फिर मोनिका से आपकी मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई? Actually उस वक्त मोनिका मेरे लिए she was just another girl. पर फिर वो दिल्ली आ गई थी, जहां मेरा मुंबई से आना जाना अक्सर लगा रहता था। अच्छा, लखनऊ की एक छोटी सी मुलाकात आपको याद थी? Absolutely. I mean, उसके बाद उसका नाम पेपर के इंपॉर्टेंट बायलाइंस में आने लगा था। In fact, she had become national themes golden girl. हाँ, उसके एडिटर थे उस वक्त MJ, क्योंकि असीम रे का पेपर तो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया। Am I right? Right. In other words, वो आपके काम की थी। Anything wrong with that? No, not at all. मोनिका वाकई बहुत टैलेंटेड थी, इवन बिफोर शी बिकेम ए टैलेंटेड जर्नलिस्ट। और वैसे आपको तो उसके बाकी टैलेंट्स का भी अच्छा ज्ञान होगा। ओह यस, जूलियस सीजर, उस प्ले में उसकी एक्टिंग देखी थी। ऑफ कोर्स वो प्ले लखनऊ में हुआ था। आई थिंक वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। और तीसरी, चौथी? अच्छा, वो कौन सी मुलाकात थी जब आप उसके साथ बिस्तर में सोई थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है, चरित्र हत्या की जा रही है। इट्स एन असैसिनेशन ऑफ हर कैरेक्टर। और जो असैसिनेशन इनके कहने पर हुआ वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीकांत पंडित की हत्या। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। हाँ, मैं अपनी मर्यादा के बाहर जा रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जिस वक्त ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री श्रीकांत पंडित एक नाटक जूलियस सीजर के मंचन में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। उनकी इस दुखद मौत के साथ साथ ही प्रदेश में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है, और जहां एक पक्ष
उनके बेटे चंद्रकांत पंडित के समर्थन में खड़ा है, वहीं वोरा साहब का नाम भी बड़ी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि वोरा साहब की लोकप्रियता में एकाएक ये उछाल इंडस्ट्रियलिस्ट पामेला ग्रेवाल की पैकिंग की वजह से है। I'm sorry. That's okay. I was just leaving. You can come in and shut the door behind you. हम पहले मिल चुके हैं ना? जी. Hi. I'm Monica. That's right. The journalist. क्या हुआ? अभी तक नहीं बनी? जी वो मेरा मतलब हाँ या ना? हाँ मैं वो यूनिवर्सिटी कवर करती हूँ। माय माय काफी तरक्की कर ली तुमने। वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी? जी मेरे लिए काम करोगी? मेरे हस्बैंड दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां जो होगा वही करना पड़ेगा। यू हैव समथिंग, दिल्ली आओगी तो मुझे बताना। पामेला ग्रेवाल और असीम रेखा चंद्रकांत पंडित के साथ आना एक बार फिर ये साबित करता है कि राजनीति में बदलते हालात के अनुसार दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री वोरा साहब की चुप्पी भी एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का संकेत देती है। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच से मैं काशिफ सिद्दीकी, टीटीवी। सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा कोर्ट से कि मैंने मिस पैमेला जी का नाम स्वर्गीय श्रीकांत पंडित जी के हत्याकांड में घसीटा, कुछ पुराने जख्म कुरेदे, जिसकी वजह से आज चंद्रा साहब को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी। दैट वोंट बी नेसेसरी मिस्टर माथुर, अगर आप अपने आगे की कार्रवाई में इस बात को और न घसीटे। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था जज साहिबा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि ये केस श्रीकांत पंडित जी के कातिलों के खिलाफ नहीं बल्कि मोनिका के कातिलों के खिलाफ लड़ा जा रहा है। आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन फिर भी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे उस हादसे का जिक्र मजबूरन यहां भी करना पड़ेगा। मिस्टर माथुर, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं जज साहिबा, बल्कि एक बात गौर करने लायक है कि मिस पैमेला की मोबाइल कंपनी को यूपी में ऑपरेशन परमिट श्रीकांत पंडित जी के जीते जी नहीं मिला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर माथुर, आई वॉर्न यू। जज साहिबाब, मैं तो ये कुछ फैक्ट्स से जो पेश करने की कोशिश कर रहा था बस। इस सबसे मोनिका की मौत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जज साहिबा, अनफॉर्चुनेटली मोनिका एक बहुत बड़े स्कैम के बीच फंस गई थी, एक टेलीकॉम स्कैम। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त एक के बाद एक गलत और बेबुनियाद इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीकांत पंडित मर्डर केस में अभी सीबीआई की रिपोर्ट आनी बाकी है, और ऐसे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। मिस्टर माथुर, जज साहिबा, प्रोसिक्यूशन अब माननीय चंद्रकांत पंडित से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता है। चंद्रा साहब, लखनऊ आने से पहले आपने किस पद से इस्तीफा दिया था? जी, मैं सेंटर में टेलीकॉम मिनिस्टर था। तो आपने चीफ मिनिस्टरशिप के लिए सेंटर छोड़ दिया?
चलिए खैर, ये सवाल बाद में, पहले मोनिका। माफ कीजिएगा, आपके आपके पिता के कत्ल के वक्त आप मोनिका से मिले थे, उसके बाद काफी अरसे के बाद आपकी मुलाकात हुई दिल्ली में मोनिका से। कोई चेंज नजर आया आपको, कोई बदलाव? जी बहुत, मोनिका बदल चुकी थी। मैं कम इन एमजे, कम इन स्वीटहार्ट, कम राइट इन। I have something very exciting lined up for you. Shoot. आज से तुम इस न्यूज़पेपर की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हो। You must be kidding. No kidding. But interviewing Chandrakant Pandit is no joke. After his father's death, वो यूपी का सीएम तो नहीं बन सका, वोरा उससे ज्यादा तेज निकला। लेकिन जब पार्टी ने उसे खुश करने के लिए उससे कुछ और मांगने के लिए कहा सेंटर में, तो उसने टेलीकॉम मिनिस्टर का पद मांग लिया। क्यों? That would be interesting to know. From a mere member of Rajya Sabha, straight to minister को यूं ही नहीं बन जाता। His first day in office, you are going to interview him. You're the best, MJ. That you'll have to prove. Tonight? Trade off. Come on, Monica. मैं तो सिर्फ celebrate करने के लिए कह रहा था। तो ठीक है, करते हैं celebrate. Oh babes, तुम उसे पहले भी मिल चुकी हो, right? वो किसी को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं था, पर जब तुम्हारा नाम लिया तो 2-3 साल पहले, जस्ट लाइक दैट। पर तुम उसे आज भी याद हो, क्यों? Won't forget to ask him that. मोनिका ही क्यों, राज क्यों नहीं, जबकि राज मोनिका से अच्छा जर्नलिस्ट है? क्यों, मोनिका पसंद नहीं है तुम्हें? मिश्रा जी, राज और मोनिका में बहुत फर्क है। जहां राज स्पेशल करेस्पॉन्डेंट की इस पोस्ट को, इस इंटरव्यू को अपना हक समझता, अपनी एबिलिटी मानता, वहीं मोनिका इसे अपनी उपलब्धि, अपना अचीवमेंट, अपनी सक्सेस मानेगी। जो उसे हमसे मिली है और इसके लिए एहसान मंद रहेगी वो हमारी, इसलिए मोनिका, नॉट राज। एमजी से बात कराओ। मे आई कम इन? हाय। Hi, I'm Monica. हम पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं। मैं नाम बता नहीं रही हूँ, सुना रही हूँ। Right. पहली बार सुना था तो सुनने में ही नहीं आया था। अब याद रखूंगा। कैसी हैं? How do I look? Ravishing. क्या लेंगे आप? टी और कॉफी? कुछ भी। कुछ भी? भाई कुछ भी नाम की चीज हमारे ऑफिस में नहीं मिलती है। In that case, coffee. दो कॉफी। राज कैसे हैं? Quite depressed actually. दिल्ली में कोई दोस्त बना नहीं, एक साल की छुट्टी ले रखी है बुक लिखने के लिए। Thank you. Bad money, bad politics.
तब तो उससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मनी और पॉलिटिक्स, इन दोनों से अब हमारा संबंध हो गया है। ओके ना, पूछो। क्या? कमाल है भाई, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा काम है सवाल करना और हमारा काम है हर वक्त एक जवाब के साथ हाजिर रहना। कम ऑन शूट। चंद्रा साहब। चंद्रा इज फाइन। ओके, इफ दैट्स हाउ यू वांट इट। तो चंद्रा, दिल्ली आपको कैसा लग रहा है? अभी दिल्ली दूर है। पर ये दिल्ली तो है। This is the place where everybody wants to be. Delhi, the center. Right? Wrong. मेरे पिता 15 साल तक यूपी के सीएम थे, तो फिर ये मेरा दिल्ली कैसे हो सकता है? आप जानते हैं उनकी हत्या किसने की? मोनिका, लेट मी टेल यू समथिंग। पॉलिटिशियन को कोर्ट से कभी सजा नहीं हो सकती, और अगर गलती से कभी कभी सजा हो भी जाए, तो पॉलिटिशियन उस सजा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेता है। पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी सजा होती है बदनामी, एक्सपोजर। प्रिंट में उसे एक्सपोज कर दो, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, और इसे कहते हैं giving him a political death. ये तुम्हारी ताकत है। I hope you are with me all the way. Anything on board? ये बात हम डिनर पर डिस्कस करें। You've had enough, stop it. I was thinking मेरी प्रमोशन सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन योर ड्रिंक एंड योर बुक इज ऑल यू केयर फॉर। मुझे मालूम है कि आपका अगला एलिगेशन क्या होगा। मेरे और मोनिका के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था, और हम इसे आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लें। ऑफ कोर्स। चंद्रा साहब, बंद कमरों में रिश्ते कब कौन सा मोड़ ले लेते हैं, क्यों और कैसे ले लेते हैं, यह साबित करना हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन कुछ इत्तेफाक शक की बुनियाद तो बन ही जाते हैं। अब जैसे आपका टेलीकॉम मिनिस्टर बनना,
मोनिका का अचानक से स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बनना और फिर बड़े ही सिस्टेमैटिक ढंग से वोहरा के खिलाफ पेपर में लगातार न्यूज आना, यह सब इत्तेफाक था या आपके तेज दिमाग की सूझबूझ? मोनिका एक फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट बन गई, आपने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। दिल्ली के इंपॉर्टेंट गलियारों में उसकी पहुंच हो गई और वो बेचारी अपनी कामयाबी को अपनी काबिलियत का नतीजा समझ बैठी, और इसीलिए शायद जब आपका बनाया हुआ जिन आपके हाथ से बाहर हो गया तो शी वाज किल्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जज साहिबा, मुझे प्रोसिक्यूटर साहब की इस टिप्पणी पर कोई एतराज नहीं है। ही कुड बी राइट। बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि मैंने ही मोनिका को बनाया और फिर उसे बिगाड़ दिया। मेरे दिल पर खुद ही एक बोझ है जज साहिबा, कि जो शायद मैंने मोनिका की काबिलियत को समझकर उसकी जो मैंने मदद की वही उसकी बर्बादी का कारण बन गई। मैं ताउम्र मोनिका के माता पिता का क्षमा प्रार्थी रहूंगा। He messed up our lives and he's getting away. बर्बाद कर दी जिंदगी उसने हमारी। उसने Thank you very much once again for a lovely evening. Thanks to mujhe karna chahiye. Why don't you come in, have coffee? Nahi, mujhe chalna chahiye, raat bahut ho gayi hai. Aajkal tumhare sath waqt kaise beet jata hai pata hi nahi chalta. You know what? Bahut jaldi tumhare akhbar mein hamare link up ki khabrein chapne wali hain. And how sad ki wo sach nahi hongi. You know what? तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था पॉलिटिशियन जो होते ना बहुत घटिया किस्म के लोग होते हैं। यू नो वो जो एक्सप्लॉइट करते रहते हैं खासतौर से लड़कियों को, किसी को नहीं छोड़ते। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस पे भरोसा किया जा सकता है। थैंक यू। इससे पहले कि आपका भरोसा टूटे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नो प्लीज कम इन। इनफैक्ट राज तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। In fact, both of you can have a nightcap. मुझे कॉफी भी नहीं बनानी पड़ेगी। Come in. तुम बैठो, मैं राज को देखती हूँ। राज? राज, राज कमन कह रहा, उठो, कमन कह रहा। राज, चलो उठो। तुमने की रखी। That's
Raj, I know tumhari book reject ho gayi, but there are always other publishers. Look, can we just talk about it some other day? Raj, utho. Chandrakant Pandit is here to meet you. Milna chahte hain tumse. You just go and fuck that Chandrakant Pandit and whoever you want. Exactly. Is that clear? Clear? No. जानती हूँ हमारे बीच में गैप बहुत बढ़ गया है, जिसे मैं मिटा नहीं सकती, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ विराज। इफ यू वुड वेट फॉर मी, मैं लखनऊ में हूँ। हाँ, मैं यहाँ की चीज शुरू की हूँ, यही खत्म करके आई वांट टू कम बैक। इफ यू मोनिका, जहाँ तुम हो
वहां से तुम्हारा वापस आना इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल मोनिका. मेरी भी गलती थी, शायद मैं ही तुम्हें संभाल नहीं पाया. आई डोंट नो. राज फोन मत कर, राज शायद कोई बाहर है, फोन मत रखना. मैं भी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई. यस, अब ये सब सोचने का क्या फायदा? 9 मई को वो लखनऊ ना गई होती या then if she had escaped then what? क्यों ना हुआ होता तो क्या हुआ होता? Bullshit, bullshit. Why don't you just cook up your own bloody story? Because I just don't give a damn. टिकट, बस कंडक्टर का बयान और नैनीताल की उस लेडी का स्टेटमेंट जिसके गेस्ट हाउस में वो ठहरी थी, सब कोर्ट के सामने है. पर एज पेरेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि मोनिका दिल्ली से भाग के नैनीताल क्यों गई? क्या उसे दिल्ली में भी किसी ने मारने की कोशिश की थी? मोनिका ऐसी कौन सी स्टोरी लिख रही थी जो इन बड़े लोगों को एक थ्रेट नजर आई? मोनिका शेरनी? यस, इनफैक्ट किसी को नहीं पता वो कहाँ है. बिच. आई न्यू शी वाज अ फास्ट वन. ये तो होना ही था. होगी तुम्हारी मर्जी, पर एडवांस 6 महीने का देना पड़ेगा. पोएटेस, तुम कविता लिखती हो? जी. एक रूम है विथ अटैच टॉयलेट. रूम में कंप्यूटर है, यूज कर सकती हो. कॉरिडोर में फोन है, पर उसका पर कॉल चार्ज होएगा. एंड लिसन, no boyfriends. Can I please see the room? Hello? Hello? Raj? कहाँ हो तुम? Where the hell are you? किस होटल के कमरे से बोल रही हो? वहाँ का नंबर तो दे दो. Don't worry, फ्री में कुछ नहीं करूँगा. पैसे दूंगा. I shall pay for services rendered. राज, ईशा, ईशा की केयर कब से करने लगी हो तुम? ईशा, लो तुम्हारी माँ का फोन आया. हालचाल पूछ रही है तुम्हारा. ईशा छोड़ के चली गई थी तुम अकेली उसे? लखनऊ ले गई थी उसे तू? तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम लापता हो. डोंट वरी अबाउट ईशा. ईशा को मैं संभाल लूंगा. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, तुम्हारी बेटी है. लेकिन उसकी देखभाल मैं कर सकता हूँ. यू अंडरस्टैंड? मेरी बेटी नहीं है ये मुझे पता है. आई नो दैट. What do you know?
What do you know? You don't know anything. It didn't happen. And now, it's gone. But Jaini. तो मैं भी रितु की तरह शादी करके खुश रह सकती थी, पर हर एक की जिंदगी के डैम किससे अलग हो ही जाते हैं। चंद्र और वोहरा की लड़ाई के बीच मैं कब मोहरा बन गई पता ही नहीं चला। पैमेला और वोहरा के नेक्सस को एक्सपोज करके मैं खुद को एक अच्छा जर्नलिस्ट मान रही थी। ये नजर ही नहीं आया कि चंद्रा मुझसे ये सब लिखवा कर सिर्फ वोहरा से अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं था, उसे तो बस लखनऊ वापस जाना। क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी, पंडित जी लखनऊ आने की सोच रहे हैं और हम बोरा भैया को समझाएं कि वो गद्दी छोड़े और कंप्रोमाइज कर ले। बोरा भैया के रहते हुए पंडित जी दिल्ली का बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे और ये बात हम बोल रहे हैं, महाराज गोपीनाथ पांडे। अरे पंडित जी तो लौंडे हैं लौंडे, उनसे कहिए कि वो दिल्ली में रहे दिल्ली में। और एक राज की बात बताएं, पंडित जी के पिताजी की सुपारी हमने उठाई थी, हमने अरे कटवा के भिगवा दिए थे हम महाराज। और यही बात आप हमारे मुंह से सुनना चाह रहे थे ना, तो सुन लीजिए। अरे हमें किसी का डर पड़ा है क्या? उखाड़ ले हमारा काम उखाड़ेंगे। बे ड्राइवर गाड़ी रोक दे। मिश्रा जी यही होते मिश्रा जी। के बगैर मरोगे महाराज। मिश्रा जी, मिश्रा जी, पंडित जी तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई।
Chandra, you've just killed somebody. Aur tum, you're very coolly making tea. Main kuch keh raha hoon. Monica, tum mujhe pasand ho. ऐसा ही रहे तो अच्छा है। मुझे मार डालेंगे। हो सकता है मेरा वहम हो कि वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। But they want me dead. ये मेरा वहम नहीं है। मैडम कॉफी, आप तो ब्लैक पीती है ना? Madam, no coffee. How about a drink with me? No thanks. ये क्या हो रहा? क्या वो? Monica, कहाँ हो यार इतने दिनों से? Rohit, just tell me something, please. No, पहले तुम बताओ, office क्यों नहीं आ रही? अरे Rohit, just leave that. मुझे एक बात बताओ, please. We are all worried. Cut that, will you? Just tell me, रामदेव है वहाँ पर? रामदेव? कौन रामदेव यार? वही रामदेव जो हमारे ऑफिस में काम करता है, हमारा चाय वाला डैमेज। I can't believe this. एक तो 10 दिन से गायब हो। और आज फोन करके पूछ रही हो कि रामदेव कहाँ है? Will you stop fooling and tell me it's urgent? Tell you what, Monica? Just tell me, रामदेव है वहाँ? Of course यही है, सामने ही तो खड़ा है। Are you sure? कहो तो तुम्हारी ब्लैक कॉफी ऑर्डर करूँ। She just called and asked for Ramdev. That's it. Yes, sir. You may go now. Like this is not going to help. देखो, मेरी राय मानो तो तुम वापस आ जाओ।
वापस। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं दिल्ली में नहीं हूं रहे? तुम्हारे उन गुंडों ने बताया जिन्हें तुमने मुझे मारने के लिए भेजा? या फिर ओ रामदेव, he told you. Who told you that? Tell me. ये क्या बोल रही हो तुम मोनिका? You're not making any sense. And what killers are you talking about? Just because we had an argument doesn't mean कि मैं तुम्हें मरवाना चाहूंगा। I haven't dreamt at all, Ray. ईशा को रोते छोड़ के भागी हूं। Because I had to, you bastard. Oh, come on, Monica. I thought we had it going. Didn't we work like a team? अरे, जरा सा मैंने तुम्हें क्या डांट दिया? तुम ओके ओके, टेल मी वन थिंग। वो आर्टिकल जो तुमने वोरा के खिलाफ लिखा था, उसे छपवाने से पहले क्या तुम्हें मुझे कंसल्ट नहीं करना चाहिए था? और फिर तुम तो अच्छी तरह जानती थी कि वो स्टोरी पैमला के खिलाफ है। बट नो No, you had to go and do what your fucking lover told you to do. I had to look after myself. ऐसा करके क्या मिला तुम्हें? साथ दिया उसने तुम्हारा? बच्चे को नाम दिया अपना? वोरा को एक्सपोज करके he dumped you. अब तुम ही बताओ तुम्हें कौन मरवाना चाहता है, मैं या वो? मुझे कौन मरवाना चाहता है रे, मैं बताऊंगी जरूर। Even if that's the last story I do. और तुम समझती हो तुम्हारी कहानी छप जाएगी? क्या तुम वही गलती नहीं कर रहे हो जो अंजय ने की थी? You want me to publish this crap just because tum chahti ho? Who the hell do you think you are? Ek mamooli sub reporter thi tum. I put you onto Pandit. And after one night in bed, he would have had nothing to do with you. Nothing. Agar tum is newspaper ki special correspondent nahi hoti. He screwed you so that he could screw the opposition through you. और अब तुम समझते हो कि तुम मेरे ही कंधे पे चढ़ के मेरे ही कान में सुसु कर सकती हो? You think you can do anything just because you have direct access to his pants? Well, fuck you. He may be a freaking god in bed, but me, when I do people, they are done. उसे भी लगा था वो मेरा एडिटर नहीं, मेरी जिंदगी का मालिक है। Fuck you. And then I found you, didn't I? Bitch, you. मिल जाएगी। को मार ही डालता। किसी से कोई दुश्मनी? रखो गाड़ी में, रखो इसको पीछे गाड़ी में रखो। पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बोला, पर कुछ बात तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो, वरना हाइव गेस्ट हाउस में कोई चोरी करने की सोच भी नहीं सकता।
ये चोरी जैसे कि ये फोन कॉल सब तुम्हारी वजह से ही है। आई एम वार्निंग यू, अगर कुछ गलत सलत धंधा किया तो मैं पुलिस को दोबारा बुला सकती हूँ। No, you don't have to tell me, but I thought कि मैं तुम्हें लेने आ जाता। I thought you're a fool। जितना सोचा था तुम उसे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकली। क्या करने की सोच रही हो? उन लोगों को ब्लैकमेल करोगी और वो डर जाएंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रही हो, ये तुम्हें कैसे पता मैं क्या कर रही हूँ? राज बोल रही हो, यू फॉरगेट दैट टेक्निकली मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। मुझे पता है तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, बट मे आई जस्ट टेल यू दैट टूडे You need my help. You need my help. You understand? उन लोगों को expose करने के लिए नहीं। To find yourself, Monica, you are lost. Monica, you are lost. कहाँ हो तुम? You need me there by your side. Tell you what, Raj. Hang up. I'm so sorry about it, Raj. I wish you phone tumne pehle kiya hota. पंडित जी प्रणाम। आप बड़े हैं मुझसे, चंद्रा कह सकते हैं। राजनीति में प्रणाम उम्र से नहीं, नस्ल देख के किया जाता है। आपके पिताजी का आशीर्वाद है आप पर। उनके जैसा बन पाऊं तो धन्य समझूंगा अपने आप को। कदम तो बढ़ ही चुके हैं आपके, बस मंजिल तक पहुंचने की देर है। क्यों? आपका सहयोग चाहिए बस। अखबारों की सुर्खियां तो कुछ और ही किस्से बयान कर रही हैं। इसे मांगना तो नहीं कहते? अपने लखनऊ की है, इसलिए भावुक होकर लिख जाती है कभी कभी। मोनिका, यही नाम है ना उसका? जी। वैसे ऐसे नाम ज्यादा दिनों तक सुनाई नहीं देते। बेहतर आइए कुछ सार्थक बातें करते हैं। नैनीताल। ठीक। हेलो।
पार्टी के एक जिम्मेदार और वफादार कार्यकर्ता की हैसियत से मैं हाईकमान का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। सॉरी, उत्तर प्रदेश हमारी पार्टी के लिए बहुत अहम है। वोरा साहब निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार और अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अनुभव से ज्यादा जोश और उत्साह की जरूरत है। यूपी के सारे कार्यकर्ताओं की निगाहें इस बात पे लगी हैं कि कौन है जो उत्तर प्रदेश में उत्साह और जोश पैदा कर सकता है। हेलो हेलो, अरे कोई बोलता क्यों नहीं भाई? ये बार बार यहां फोन काहे को करता है? सुनो, तुमने फोन नंबर दिया यहाँ का किसी को, तो ये बार बार फोन किसका आता है? पहले तो कभी ऐसे ब्लैंक कॉल नहीं आते थे। आज मैंने एक आदमी का कत्ल होते देखा चंद्रा, बीच सड़क पे कुत्ते की मौत मारा गया। क्या तुम बता सकते हो उसको किसने मारा होगा चंद्रा? कहा हो तुम? तुम कभी एक आम आदमी की तरह बीच सड़क पर अकेले निकल के देखो, डर जाओगे। पता नहीं कहां से कोई आएगा और तुम्हें मार के चला जाएगा। आम आदमी के साथ ऐसा होता है चंद्र। मोनिका, इस वक्त कहां हो तुम? ठीक तो हो? You very well know where I am. तुमको मेरा नंबर किसने दिया चंद्रा? तुम मुझे डराने का फोन करते हो ना? Who calls? Who fucking calls? Who calls, Jamir? क्या बोल रही हो ये? You pathetic. You very well know where I am. सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। You're a coward. That's what you are. Fucking bastard. मोनिका, अगर मुझे पता होता कि तुम इस वक्त कहाँ हो, तो शायद। तो शायद ही कहने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहती। Right? You failed, Chandra, because I escaped. You know why? Because I'm a survivor. I'm a survivor. और अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो ना Chandra, you have to face the consequences. क्योंकि जो स्टोरी मैं कहने जा रही हूँ ना Chandra, शायद तुम सुनना नहीं चाहोगे। Don't threaten me, Monica. क्योंकि I have nothing to hide. और रहा तुम्हें मरवाने का सवाल, हमें अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बस हो जाता है। लोग समझते हैं हमारी पसंद नापसंद। अफसोस।
सिर्फ तुमने इस बात का ख्याल नहीं रखा। Best of luck to you, Chandra. You need it. बधाई पंडित जी, अब तो आपको हाई कमांड का भी समर्थन मिल गया। अब लखनऊ अपनी मुट्ठी में है। कुछ चीजें हैं जो बीच में आ सकती हैं। ऑल राइट चंद्रा, सो बी इट। ने सही कहा था, this happens to be a highly classified file, sweetheart. Aur ye file tumhe usi ne diye. Main us swami ko bahut achhi tarah janta hu jo Pam ko yoga sikhata hai. Ye sab usi ne kiya hai. Chandra ko high command ki nazron mein girane ke liye. I am impressed. Ye स्विस बैंक अकाउंट्स, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट सैंक्शंस, पीएमओ ऑफिस से ये किकबैक्स की फाइल, स्मार्ट पैम। मोनिका, जिस मंत्री को तुम एक्सपोज करने जा रही हो, तुम शायद भूल रही हो, उसी की पार्टी पावर में है। दिस कुड बी सुसाइड। Or stardom. Okay, I'll show you something, baby. मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन भी है, ये फाइल जो मैं पब्लिश कर सकता हूं। ये क्या है? ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये सच है, और जो तुमने मुझे दिया है वो झूठ। बैम और वोरा चंद्रा को एक टेलीकॉम स्कैंडल में फंसाना चाहते हैं। फनी थिंग इज, ये वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि ही कांट प्रूव हिज इनोसेंस। मोनिका, मेरे पास कुछ ऐसे टेप्स हैं जो साबित कर देंगे कि चंद्रा ने कोई किकबैक्स, कोई पैसे नहीं लिए, और ये सारे स्विस अकाउंट्स जो तुम मुझे दिखा रही हो, ये सब फॉल्स हैं, झूठे हैं, फौज किए हुए पेपर्स हैं। दिस डील वॉज एब्सोल्युटली जेन्युइन। योर ब्रिलियंट रे, कट द तारीफ। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। देखो मोनिका, मुझे पेपर चलाने के लिए फंड चाहिए, और तुम्हें एक असीम रेक की जरूरत है जो तुम्हारी झूठी कहानी पर सच्चाई की मोहर लगा दे। पैम से कहो मुझे फंड कर दे।
ताकि मैं इस पब्लिशिंग हाउस का मालिक बन जाऊं। उसके बाद तुम्हें एसोसिएट एडिटर बना दूंगा और शायद पार्टनर भी। और सच, अगर चंद्रा सही है तो आपको सच का साथ नहीं देना चाहिए। तुम दोगी? Play the right tune, my dear. You need to know which flute to pick. I don't know. Why should he? You know what your problem is, baby? कि तुम इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग अभी तक एक मिडिल क्लास लड़की ही रही। लखनऊ की उन गलियों से तुम निकलना तो चाहती हो, बट यू कांट लीव द बैगेज बिहाइंड। थैंक्स, आई एम वार्निंग यू, तुम्हारी यही कमजोरी एक न एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। तुम ही बताओ। आई वाज द वन हु वांटेड टू स्लीप विद चंद्रा इन द फर्स्ट प्लेस। ये रिलेशनशिप मैंने इनिशिएट की थी, उसने नहीं। एंड इफ आई हैव अ चाइल्ड और वो उसे अपना नाम नहीं देना चाहता, हाउ डू आई ब्लेम हिम? डार्लिंग, हू द हेल डज ही थिंक ही इज? आई मीन चॉइस उसकी नहीं, तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम अपने बच्चे को उसका नाम देना चाहती हो या नहीं। नॉट द अदर वे अराउंड, ओके? एंड एनीवे, You were not just fucking him. तुम उसे प्यार भी करने लगी थी ना? और उसने भी तुम्हें यही यकीन दिलाया कि तुम स्पेशल हो, राइट? एंड यू आर स्पेशल, वेदर इट्स योर बॉडी और योर माइंड। अगले को उसकी वक्त होनी चाहिए। I know you're no saint. You're one hell of a bitch. But then hum sab is category mein nahi aate. Life's a bitch. Waise to main kehti hu, fuck Chandrakant Pandit. Bachi tumhari hai. You're the mother and the father. But if you do decide ki nahi, baap ka naam Chandrakant hi hona chahiye, then he better be on his knees begging you for that honor. पर ये सब तभी मुमकिन हो सकता है डार्लिंग, जब तुम्हारे पास वो तोता हो जिसमें उसकी जान अटकी हो। तोता। या दिस कैमल नेल हिम। Just get out! Get out of my house! Listen to me! I have nothing to you! How dare you! Listen to me! Leave me! Just shut up! No! And listen! How dare you! Kiske kehne pe chala tumhe? टेलीकॉम डील, स्विस बैंक अकाउंट, सेंट किट्स, कहां से मिली तुम्हें ये सब इंफॉर्मेशन? किसके कहने पे छापा तुमने ये? पामेला ग्रेवाल का? शट अप! पामेला ग्रेवाल का? आई एम नॉट टेलिंग, डैम यू! तुम्हें क्या लगता है?
मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। ओ गॉड, डोंट टेल मी इज शी स्लीपिंग विद यू? टेल मी इज शी स्लीपिंग विद योर बैक? टेल मी, तुम जानती हो कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। शादी करनी चाहिए थी, तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। Yeah.
मोनिका। संदीप, 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 मुझे बचा लो संदीप। संदीप चंद्रा मुझे मार देगा संदीप। तुम चंद्रा के दोस्त हो ना? तुम मेरे और राज के भी तो दोस्त हो ना? तुम मुझे बचा लो। तुम मुझे बचा सकते हो ना? तुम मुझे बचा सकते हो? तुम मुझे बचा लो। मुझे बचा लो संदीप। हाँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तुम जो बोलोगे मुझे मंजूर है। मेरे साथ बिस्तर में सोना मंजूर है। लगाओ यहां। मिस्टर माथुर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। जज साहिब, हर एक का अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मसलन ये चंद्रकांत पंडित का एरिया यानी पॉलिटिक्स, ये पैमेला ग्रेवाल का एरिया इंडस्ट्रियलिस्ट यानी पैसा, और ये असीम रे का एरिया जर्नलिस्ट यानी मीडिया। जब ये तीनों एरिया मर्ज करते हैं तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है, और ऐसे में एक एरिया वो निकल जाता है जिसे तीनों मिलकर इस्तेमाल करते हैं। माफ कीजिएगा जज साहब, मैं इस बात को ऐसे बोलकर भी समझा सकता था, लेकिन तीनों के एरिया जब मर्ज कर गए तो मोनिका एक कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गई जिसका इस्तेमाल तीनों ने मिलकर किया। बट अगेन इससे पहले कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि तीनों ने मिलकर बेचारी एक अबला नारी का शोषण किया, लेट्स बी फेयर टू देम आल्सो, बिकॉज वी नो कि मोनिका ने भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बढ़ाने का प्रयास किया है, हर एम्बिशंस। लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए जज साहिबा, तो मोनिका जितना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी, तीनों का दायरा उतना कम होता जाएगा। और जज साहिबा, ऐसे में तीनों ने मिलकर तय किया और इसे ही बेहतर समझा कि या तो वो तीनों अलग अलग हो जाएं और या एक हो जाएं, और दोनों ही सूरतों में गायब हो जाती है मोनिका। संदीप, दरवाजा बंद कर। हट। पिजट। उतार। संदीप प्लीज। बोला ना कपड़े उतार।
संदीप प्लीज सॉरी रंडी साली जज साहिबा मोनिका अगर उस दिन भागने में कामयाब हो भी जाती तो भी उसे मरना ही था। वो नैनीताल गई ये सोचकर कि वहां उसे कोई पहचान नहीं पाएगा कोई ढूंढ नहीं पाएगा पर इन लोगों के खौफ ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो वापस आ गई। वापस आकर उसने कुछ टेप्स बनाए डायरी लिखी। पता नहीं क्यों उसे लगा कि वो डायरी टेप्स उसे बचाने में काम आएंगे पर ऐसा हुआ नहीं। फॉर देम इट वॉज ब्लैकमेल। संदीप मिश्रा इन्होंने उससे कंप्रोमाइज करने का वायदा तो किया निभाया नहीं और मोनिका जेटली को 9 मई 2007 को शाम को ठीक 5:15 पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। साहिबा मोनिका जेटली के सारे कातिल इस कोर्ट में मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन अपनी जिरह यहीं खत्म करता है। बचाओ पक्ष की सुनवाई लंच के बाद होगी। द कोर्ट इज नाउ एडजर्न्ड। चंद्रकांत पंडित जिंदाबाद। 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 अफसोस ना मैं गुनाह कबूल कर सकता हूं ना बेटे। अभी तो मैं दो सांसें और पक्षी होती उसने तो पूछते कि कसूर क्या था। अभी तो